हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज है आज़ादी सेल पार्ट टू। पहला जो था वो भी सफ़ायर के ऊपर ही था, आज भी सफ़ायर के ही पार्सल है, लेकिन जो लास्ट टाइम था वो रिलायंस से उसे मैंने ऑर्डर किया था, और आज जो मुझे रिसीव हुए हैं वो सारे बैक गैलरी के मेरे ऑर्डर हैं। मैं हर उसका बना रही हूँ ताकि मुझे काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि क्या ये वेबसाइट ऑथेंटिक प्रोडक्ट भेजती है सफ़ायर के, तो मैंने इसी वजह से यहाँ से भी ऑर्डर किया और ये रिव्यू बना रही हूँ इस वीडियो पे। तो आप लोग एंड तक ज़रूर देखेगा और मैं वन बाय वन आपको सारी चीज़ें शो करती हूँ जो मैंने बैक गैलरी से सफ़ायर की मंगाई हैं। तो सबसे पहला जो मैंने पैकेज ओपन किया था तो उसमें किड्स वेयर निकला है। तो जो मैंने ये दो किड्स वेयर की दो फ्रॉक्स ऑर्डर की थी और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सस्ती मिली थी। तो जो पहली है वो कुछ इस तरह की है, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है, दो कलर में बनी हुई और इसकी ये बहुत ही अच्छी सी डिटेलिंग भी हुई हुई है। और ये मैंने 12 साइज़ की ऑर्डर की थी। इसकी जो ओरिजिनल प्राइस थी वो थी 2600, लेकिन ये मुझे 777 यानी 777 की ये पड़ी थी। और दूसरी कुछ इस तरह की है, ग्रीन कलर की, ये भी सेम वैसी ही है, बस इसमें जो है ये इस तरह की डिटेलिंग हुई हुई है। इसकी भी सेम प्राइस थी, इस पे 50% ऑफ लिखा हुआ है, लेकिन ये दोनों मुझे 70% में मिली थी। और अब तो खैर इतने का कपड़ा भी नहीं आता, तो स्टिचिंग के साथ ये काफ़ी ज़्यादा मुझे सस्ती पड़ी थी। अच्छा, तो जैसे कि जो दूसरा ड्रेस है वो कुछ इस तरह का है, ये फैंसी वेयर है। बेसिकली मैंने फैंसी वेयर ज़्यादा मंगाए क्योंकि जो नॉर्मल होते हैं फैंसी वेयर काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, और 70% ऑफ के बाद मुझे काफ़ी अच्छे और काफ़ी सस्ते मिल गए। तो ये कुछ इस तरह का है, ये नेट के कपड़े पे बना हुआ है, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, काफ़ी अच्छी इस पर डिटेलिंग हुई हुई है। आप इसका फ्रंट की ये एम्ब्रॉयडरी चेक करें, ये काफ़ी ज़्यादा हसीन, और इसका जो कलर है ये कुछ ग्रेश टाइप का है, ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी प्यारा लग रहा है। इनमें भी मैं सबकी जो पिक्चर्स हैं वो एंड में अटैच कर दूँगी ताकि आपको ज़्यादा ठीक से समझ आ सके। ये लक्स वेयर का इनका, इसकी जो ओरिजिनल प्राइस थी वो 12,000 थी, पर मुझे ये आई गेस 3,000 समथिंग, लाइक 3,600 या 700 का मिला, मुझे एग्जैक्ट रेट याद नहीं है। और ये आप दुपट्टा चेक करें, दुपट्टा इसका काफ़ी ज़्यादा हसीन था। अगर आप नॉर्मली सिर्फ ये दुपट्टा भी लें तो ये आपको 2 से 2,500 का मिलता है, और मुझे पूरा थ्री पीस जो है वो 3,700 तक मिल गया, जो कि आई थिंक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी सेल से ज़रूर अवेल किया करें, क्योंकि इस तरह की सेल बार बार नहीं लगती है। अब मैं आपको तीसरा ड्रेस ओपन करके दिखाती हूँ। तीसरा ड्रेस जो है वो इस तरह का है। वैसे आप लोग ये जो वीडियो है ये एंड तक ज़रूर देखेगा, क्योंकि जो लास्ट ड्रेस है वो जो शो स्टॉपर वाला ड्रेस होता है ना, वो वाला है, उसकी पैकेजिंग वगैरह बहुत ज़बरदस्त है, तो आप वो लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखेगा। अच्छा, जो ये तीसरा है ये सेमी फॉर्मल टाइप है, ये फुल फॉर्मल नहीं है, या आप नॉर्मल वेयर में भी इसको पहन सकते हैं, जैसे कोई ऑफिस में पार्टीज़ वगैरह या यूनिवर्सिटीज़ में फंक्शन होते हैं उसमें भी आप इसको पहन सकते हैं। ये रॉ सिल्क के कपड़े पर बना हुआ है, जैसे कि रॉ सिल्क का कपड़ा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन ये काफ़ी मुझे ये भी अच्छे रेट्स में मिला। तो आप देख सकते हैं जो इसका बॉर्डर है ये इस तरह का बना हुआ है, मैं इसको आपको पास से दिखाती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो। ये सारी इस पे लेसेस वगैरह लगी हुई हैं, ये आप इसका काम चेक कीजिए कितना अच्छा है। वैसे भी सफ़ायर के जो कपड़े होते हैं वो तो 10 on 10 ही होते हैं। इसकी स्लीव्स चेक कीजिए, काफ़ी ज़्यादा प्यारी हैं, और इसका जो फ्रंट है, मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो इसका कलर है। वीडियो में इतना अच्छा इसका कलर नहीं दिख रहा, लेकिन काफ़ी रियल में ये अच्छा है। अच्छा, इसके जो ये थोड़े से बटन है ना, ये थोड़े से लूज़ हो रहे हैं, लेकिन जब सेल से कपड़े मंगाते हैं तो ये हल्के फुल्के सी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन आई थिंक ये बहुत माइनर्स होते हैं। अगर आपको एक चीज़ 70% ऑफ में मिल रही है तो इतना तो चलता ही है। तो और ये तो आप बटन जो हैं ये ख़ुद से भी आप कर सकते हैं इसका। बाकी ये ट्राउज़र देखें आप, इसकी जो एंड में काफ़ी अच्छी, एक तो इनकी डिटेलिंग्स बहुत ज़बरदस्त होती हैं, बाकी अगेन दुपट्टा जो है वो तो इनका सबसे ज़बरदस्त है। इनके ये दुपट्टे जो हैं ये ऐसे दुपट्टे हैं जो आप सिर्फ इस सूट के नहीं साथ नहीं, आप 2-3 सूट के साथ आप इन्हें चला सकते हैं, और ये बिल्कुल एक तरह से कम्प्लीट बने हुए होते हैं। आप चारों तरफ से ये पाइपिंग वगैरह लेस वर्क इनका हुआ हुआ होता है, तो बहुत ही ज़बरदस्त लगा। मैं अब आपको इसकी प्राइस बता देती हूँ। ये भी इनकी लक्स कलेक्शन का था, इसकी जो प्राइस थी वो थी 15,000, लेकिन मुझे जो ये आई थिंक 4,500 तक पड़ा है। तो आई थिंक रॉ सिल्क का सूट वो भी 4,500 में काफ़ी अच्छा, खासकर जिसका इस तरह का दुपट्टा हो, जो कि आपके तकरीबन कोई 10-12 सूटों के साथ अब ये दुपट्टा चलेगा, और ये ख़राब भी नहीं होता, सबसे अच्छी इनकी बात है।
अच्छा, आज की वीडियो का जो लास्ट ड्रेस है और जो मेरा पर्सनली फेवरेट ड्रेस है वो है ये। मैंने इसको इस तरह इसलिए हैंग करके दिखा रही हूँ कि ये जो ड्रेस है मुझे ये इसी तरह पैकेजिंग में रिसीव हुआ है। ये इसी तरह इस ड्रेस जो है ये इसके बैग के साथ आया था और यही हैंगर के साथ पूरा ये इसी तरह आया है। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा ड्रेस है, बहुत खूबसूरत है। अब मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह से ड्रेस लग दिखता है। ये सारा इस पे काम हुआ है। ऐसे पिक्चर वीडियो में ये ड्रेस जो है ये ब्लैक कलर का आ रहा है, पर असल में जो इसका कलर है वो नेवी ब्लू है। काफ़ी हसीन है, मल्टी कलर इस पे काम हुआ है। ये सारा इस पे काम हुआ है, आप चेक करिए। इसका जो नेक है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, मतलब इस ड्रेस को काफ़ी अच्छा बना रहा है। मैं आपको इसको बैक से भी दिखाती हूँ। बैक से ये यहाँ से तो ये प्लेन है, लेकिन इसका जो ये नीचे जो बॉर्डर है वो आप चेक करिए। काफ़ी सफ़ाई के कपड़ों में जो सबसे बेस्ट पार्ट होता है वो होता है इनकी डिटेलिंग। काफ़ी अच्छी इनकी डिटेलिंग हुई हुई होती है। बाकी मैं आपको ये दुपट्टा चेक करिए। अच्छा, इनके जो मुझे जितने भी मैंने ड्रेसेस ऑर्डर किए मुझे इनके सबसे अच्छे उनके दुपट्टे लगे, क्योंकि ये जो दुपट्टे हैं ये मल्टीपर्पज़ दुपट्टे हैं। यानी ये नहीं है कि आप सिर्फ इसी ड्रेस के साथ ये दुपट्टा यूज़ करेंगे, आप इसको काफ़ी ड्रेसेस के साथ चला सकते हैं। ये देखिए, 3 से 4 कलर हुए हैं। और आप ये चेक करिए लेस वर, अगर आप नॉर्मल ये लेस भी करवाते हैं कम से कम 400-500 भी तो सिर्फ ये लेस हो जाते हैं, और काफ़ी चौड़े दुपट्टे हैं। अच्छा, इसकी भी मैं आपको प्राइस बता देती हूँ। ये भी इनका वही लक्स कलेक्शन का है। वैसे जो इसकी ओरिजिनल प्राइस है वो है 10,000 का ये ड्रेस था, और मुझे ये 3,200 या 300 इस तरह से मुझे ये मिला। तो आप मुझे बताइएगा, आपको मेरी ये जो शॉपिंग थी आज की, जो छोटा सा सफ़ायर का हॉल था, कैसा लगा? और आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए कि आप लोगों ने सेल से क्या क्या ख़रीदा। अच्छा, मेरा जो था ये बैग गैलरी से मैंने काफ़ी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑर्डर की थी, तो उसका मुझे पहला पार्सल रिसीव हुआ है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो भी इस पर बनाऊँगी, जो नॉर्मल कपड़े जो डेली वेयर में कपड़े होते हैं उन पर इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी वीडियो, जब जैसे ही वो मुझे रिसीव हो जाते हैं। अच्छा, काफ़ी मेरे पास कमेंट आते हैं कि कितने दिनों में ये ऑर्डर आपको रिसीव हुआ। तो मुझे जो ये इनका ऑर्डर था वो आई गेस मैंने वही 14 को ऑर्डर किया था, और मुझे ये अभी आज ही ये रिसीव हुए, तो मैंने फ़ौरन इनकी वीडियो बना ली है। और लेकिन मुझे अभी तक कंप्लीट ऑर्डर नहीं हुआ है। मैंने कुछ क्लचेज़ ऑर्डर किए थे और कुछ नॉर्मल वेयर के ड्रेसेस ऑर्डर किए थे, वो मुझे अब तक रिसीव नहीं हुए हैं। और मैंने जो जो चीज़ें सफ़ायर से ऑर्डर की थी, वैसे आई गेस मैंने सफ़ायर से इतनी चीज़ें नहीं ऑर्डर करी थी क्योंकि वो बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं, लेकिन जो मैंने चीज़ सफ़ायर से ऑर्डर की थी वो मुझे अब तक रिसीव नहीं हुआ। तो मुझे जैसे ही वो भी रिसीव होती है मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। आप भी मुझे बताइएगा कि आपने अपनी क्या क्या ऑर्डर किए हैं, और आप बताइएगा आपको कैसी लगी है मेरी कपड़ों की जो छोटा सा हॉल था। और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लास्ट टाइम भी व्यूज़ तो मेरे पास माशाल्लाह अच्छे आ गए, लेकिन सब्सक्राइबर्स नहीं आए, तो आप काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी आपके कमेंट क्वेश्चंस हो तो वो कमेंट में ज़रूर करेगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, एंड अंटिल देन सब्सक्राइब एंड कीप शॉपिंग।